बाबा बाबा ब्लैक शिप, मेरे ख्याल से अगर मैं ये बोलूँ ना तो आपके दिमाग में एक ही चीज आती होगी, चलो इसके आगे की पोयम गाते हैं। लेकिन क्या हम सोच सकते थे कि इसके ऊपर फिल्म भी बन सकती है? मेरे ख्याल से आजकल ऑडियंस को या आपको हमें एक चीज चाहिए होती है जो इजीली हमारे जबान पे चढ़ जाए। तो बाबा बाबा ब्लैक शी, तो ये ऐसे वाले बाबा, एक मिनट देखिए इनको जरा, ये कैसे वाले बाबा हैं ये? अरे रेडी स्टडी शूट, मतलब लादेन का भूत नहीं उतरा अभी, पहली बात तो ये। मनीष मतलब क्या, मतलब तेरे में लादेन मुझे समझ आती है आपकी, उसमें आप बिल्कुल अलग थे जी। जब मैं पहले आपसे मिली थी तो बिल्कुल अलग थे आप जी, जी, जी। बाबा बाबा ब्लैक शिप टाइटल, मतलब आप देखें क्या होता है ना, हर हर फिल्म का अपना फ्लेवर होता है। ये फिल्म ऐसी है आई थिंक जिसका टाइटल बहुत कैची हो रहा है, लोग एकदम से सुनते कहते हैं अरे हाँ यार, मतलब टाइटल सोचना नहीं पड़ा, ऑब्वियसली सबको याद है। सो आई थिंक वो बड़ी अमेजिंग बात है, एंड स्टोरी तो कमाल की। इस फिल्म में दो गाने हैं जिसमें आप मीका के साथ डांस कर रहे हैं जी, जी, जी। तो थोड़ा पहले गुनगुना दे, क्योंकि देखो मेरे ख्याल से मनीष ने कभी गाना नहीं गाया होगा, तो मैं अपने व्यूअर्स को वो गाना बाद में सुनाऊंगी, पहले मनीष हमारे लिए थोड़ा एंटरटेनमेंट करेंगे। अब मनीष आप रेडी हो स्टेप करने के लिए? वो अपने गुरु को याद करते हुए ये स्टेप करना चाहूंगा। चलिए हम गा देते हैं। ओ गल गोरियां तब चटोए अस मर गेणियां होए, गल गोरियां तब चटोए अस मर गेणियां होए। अरे मेरा मुंह दर, तुम जूते दिखा रहे हो यार। मैंस करता हुआ मनीष पर्दे पे कैसा लगता है, हीरोइन के साथ प्यार मोहब्बत? मैं तो कहूँ बड़ा माइंड ब्लोइंग लगता है मनीष रोमांस करता हुआ। ये मेरा कहना नहीं है, ये उन लोगों का कहना है जिन्होंने देखा, मेरे दोस्तों ने। देखिए मैं इसमें गाता हूँ मीका पाजी का जो गाना है, एवें छटके ना जा कुड़िए कोल तू मेरे बह जा, दिल तेरे बिन सूना लगदा दिल विच आके रह जा, जे तेरे दर्शन ना होवण रोवण मेरी अखां, रांझा तेरा दर्दी होया दर्द नु किथे रखां। आवाज अच्छी है, देखा मैंने ना थोड़ा पैसा वसूल वाली परफॉर्मेंस ले लिया मनीष से, है ना, फ्री में करवाया मैंने ये। देखो मैंने पिक्चर फ्री में कर दिया, आप गाने की बात करिए। अगेन ब्रेकिंग, ऐसा नहीं हो सकता यार। वो कहावत सुनी है आपने, घोड़ा घास से दोस्त ही नहीं कर सकता। नहीं नहीं मैं बिल्कुल, मैंने फ्री में काम नहीं किया। अब अगर मुझे फिल्म के 12 रुपए मिल रहे थे तो मैं क्यों छोड़ू। मतलब 12 रुपए के लिए फिल्म करी, चलो मैं 15 रुपए देती हूँ। कब फिल्म कब करनी है बताइए। पहले हीरोइन कौन सी लेने वाले, 15 रुपए में मनीष मेरे लिए मूवी कर रहे हैं, हीरोइन बताइए, उसको कास्ट करने में फिर थोड़ा बजट लगेगा ना। आप ही खड़ी है साथ में तो फिर बहुत बड़ा झूठ है, ठीक है। और मैं पहले इनसे मिल चुकी थी, जैसे मैं इनसे मिली ना मैंने बोला आप तो मैं मिल चुकी हूँ आपसे, बताया कहते हाँ हाँ मुझे याद है, मैंने आपके साथ डांस भी किया, गाना भी गाया, इनके लिए मैं यहाँ पे आया था, मुझे याद है आपसे मिला था, आप ऐसी खड़ी थी, आपके ऐसे बाल थे, ऐसे साइड में आ रहे थे, मुझे बिल्कुल याद है। और मजे की बात ये है इनकी तब भी दो ही आंखें थी, आज भी दो ही हैं। क्या बात है? नहीं अब मेरी 4 आंखें हो चुकी हैं। वो तो मेरे बाद आपकी आंखें 4 हुई हैं। ओह गॉड, नहीं मुझे मनीष पे बिल्कुल क्रश नहीं आ रहा, उस टाइम पे आया था, उस टाइम बड़े क्यूट थे ये, अब थोड़े ना बहुत ही अच्छी लग रही है, अब ये इतने अच्छे ही लग रहे हैं मुझे। तब मैं नया नया चाम था, पहली बार देखा था, मैंने कहा अरे मनीष पॉल, आई लाइक दैट, वेरी वेरी थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैंने कहा मनीष पॉल, मनीष पॉल, मैं जरूर जाऊंगी उस इवेंट में, उस इवेंट को कवर करूंगी। और आपने बड़ा अच्छे से गाना भी गाया था, वो गाना गाया था सलाम नमस्ते, ये सलाम नमस्ते गाया था मैंने, हाँ पता नहीं क्यों गाया था सलाम नमस्ते, क्यों गाया था मैंने पता नहीं, आ गया होगा मुंह में, वही गा दिया होगा, मूड मूड में गा दिया आपने। एक डायलॉग हो जाए और चलते चलते फिर मैं अपने कैमरामैन और ऑडियंस को बाय बाय बोलूंगी। जब मेरी फिल्म में आता था मैं कैमरे की तरफ देख के बात करता हूँ, मैं देखता हूँ कहता अच्छी खासी थ्रिलर फिल्म में, ये ने क्या जरूरत थी इमोशन मारने की, मौका चाहिए ने बाबूजी बनने का। बहुत बढ़िया, एंजॉय करो, खुश रहो, आबाद रहो, और मनीष पॉल के साथ बाबा बाबा ब्लैक शिप वाली जो पोएम है ना उसको रिकॉल जरूर करो। ओ गल गोरियां तब चटोए अस मर गेणियां होए।